करनाल के मार्केट कमेटी कार्यालय में से नौकरी से निकाले गए कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। आपको बता दें कि आज शुक्रवार को नौकरी से निकाले गए 22 कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारियों को नौकरी देने की मांग उठाई। कर्मचारी नेताओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की हिदायत अनुसार कोई भी नया ठेकेदार पुराने कर्मचारियों को नहीं हटा सकता, परंतु नया ठेकेदार अपने चहेतों को लगाने के लिए पुराने कर्मचारियों को हटाने का कार्य कर रहा है, जिसको कर्मचारी सहन नहीं करेंगे, जिसके चलते आज यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया गया एवं निकाले गए 22 कर्मचारियों को दोबारा से नौकरी पर रखने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि कर्मचारी 14 से 15 साल से यहां कार्य कर रहे हैं, परंतु मार्केट कमेटी के अधिकारी व ठेकेदार मिली भगत कर पुराने कर्मचारियों को निकालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर कर्मचारियों को हटाया गया तो संघर्ष और तेज कर दिया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि मार्केट कमेटी में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे नए वर्ष में उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गिरा है, जिसके चलते कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार की हिदायत स्पष्ट है कि सरकार ठेकेदार को बदल सकती है, परंतु पुराने लगे हुए कर्मचारियों को नहीं हटाया जा सकता, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है और इसी के चलते आज नए वर्ष के पहले दिन यहां पर धरना प्रदर्शन करने की नौबत आन पड़ी है। इस मौके पर कर्मचारियों द्वारा सरकार व अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सर, यहां पे 22 कर्मचारी पिछले 10-15 सालों से काम कर रहे हैं और 20 रेट पे काम कर रहे हैं। ठेकेदार हर साल बदलता है, लेकिन कर्मचारी वहीं के वहीं रहते हैं। सरकार की हिदायत है कि भाई ठेकेदार चाहे जितने मर्जी बदलें, लेकिन जो कर्मचारी किसी कारण से नहीं हटाए जाएंगे। मार्केट कमेटी का मंडी बोर्ड जो हमारा पंचकुला में है, वहाँ से अब जो नया ठेकेदार आया है, वहीं से एक लेटर भी जारी हुआ है कि जो कर्मचारी पुराने हैं वो नहीं हटाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे सचिव साहब हैं, हम लिखित रूप में और मौखिक रूप से उनसे बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला है जिससे कि ये कहा जाए कि ये कर्मचारी काम पर रखे जाएंगे। आप कब से यहाँ पर काम कर रहे थे? सर, हम यहाँ 15 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए हटाया कि उन्होंने अपने जो नए बंदे वो लगा लिए और पुराने हटा दिए। तो बात हुई, क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने बोल दिया सर, मैं अपने जो नए कर्मचारी लगाऊंगा, मैं पुराने कर्मचारी को किसी को भी काम पर नहीं रखूंगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नए साल है, कि कर्मचारी नए साल में अपने घर बैठेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हम इस आपके फ़ोन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐसे टाइम में अगर ये काम से बेरोजगार हो जाएंगे, इनका घर कैसे चलेगा? काम खत्म हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है कि उनको जैसे 22 कर्मचारी है, 22 के 22 काम पर रखे जाएँ। क्या नाम? मैं जिला कमेटी से सचिव राधे कुमार। सर, यहाँ से है ना 15 सालों से काम कर रहे हैं ना, जो मतलब जो नए ठेकेदार है उसने अपने बंदे तो लगा लिए थे, और जो हम पुराने हैं पुराने बाहर निकाल दिए, भैया इन बंदों की जरूरत नहीं, मैं मशीन से काम करूँगा। अच्छा, तो जी जब मशीन का काम है तो बंदे क्यों आ रहे हैं? तो मारती मांग है जी कि जितने भी कर्मचारी हटे हुए हैं जी, वो सारे ड्यूटी पे होने चाहिए। तो आज तो गेट मीटिंग की गई हमने, और इससे पहले हमने सेक्टर साहब से लिखित में भी, मौखिक तौर पर भी कहीं फिर बातचीत की है, लेकिन इन कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारी जो लगे हुए हैं, इनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इसका मतलब ये जो गेट मीटिंग करी हमने, ये तो एक हमने सेक्टर साहब को ये दिखाया कि हम भी गेट मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर ये कर्मचारी वापस काम पे ना लिए गए तो हम अपनी स्टेट कमेटी से बातचीत करते, यहाँ कोई बड़ा आंदोलन की भी तैयारी करेंगे। तो अभी बात हुई जो सेक्टरी है, अभी क्यों हटाया? नहीं सर, इनके काम में वो जो जो सेक्टरी है वो कहता है जी ठेकेदार रखेगा। ठेकेदार को जो ठेका दिया है वो महकमे ने दिया है, हमने तो दिया नहीं जी। जब 14-15 सालों से ठेकेदार बदल रहे हैं और यही कर्मचारी कम काम कर रहे हैं, तो ये मतलब वो तो नहीं है भाई यही ठेकेदार पहली बार आया। और ये सरकार की इजाज़त है कि भी ठेकेदार जितने मर्जी आए, कर्मचारी वही रहेंगे। अगर संस्था के अंदर काम नहीं है, महकमे के अंदर काम नहीं है, तो कर्मचारी हट सकता है, अन्यथा कर्मचारी वही कोई रहेंगे। तो अब मंडी में काम नहीं हुआ तभी हटाया? नहीं, काम है जी, काम इसने इन ये कर्मचारी हटा के दूसरे कर्मचारी इनकी जगह और रख रखे हैं। मंडी में काम है जी, 24 घंटे काम। अभी बंदे काम पर लगे हुए हैं यहाँ। अच्छा, ये सेक्टरी साहब कहते हैं जी हमने तो बंदे को रखवाया ही नहीं, और ठेकेदार कहता है जी मैंने कोई आदमी रखे। इस टाइम भी 19-20 आदमी काम कर रहे हैं, और 20 आदमी ये है। जब 20 आदमी ठेकेदार नहीं लगा सकता तो इनको क्यों नहीं रखता? अच्छा, ये सरासरी यहाँ का जो डिपार्टमेंट है ना, ये इसकी बदमाशी है।
ठेकेदार का इसका ठेकेदार आते जाते रहते हैं, सरकार के लेटर हैं बाकायदा, खट्टर सरकार के भी हैं, उड्डा सरकार के भी हैं, और प्रेस के अंदर अखबार के अंदर भी आया है कि कर्मचारी कोई नहीं हटेगा, ठेकेदार चाहे रोज बदले। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।